कक्षा छः विषय हिंदी हमारे ऋषि मुनि। इस क्रम में भगवान अगस्त्य की कथा को आज हम सुना रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सुने। भगवान अगस्त्य अलौकिक पाचन शक्ति। प्यारे बच्चों, दंडकारण्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला एक महामार्ग था, महामार्ग जिसे हाईवे कहते हैं। उस पर एक शानदार भोजनालय था, जैसे आपने सड़क किनारे ढाबा या भोजनालय बने देखे हैं उसी तरह का। उस भोजनालय का स्वामी बहुत ही मिष्टभाषी था, आने जाने वाले यात्रियों से कहता था, आइए आइए पधारिए, आपके आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अजी पैसों की बात छोड़िए, इसे तो आप अपना घर ही मानिए, हमें अपना सेवक मानिए और आदेश कीजिए। बीच बीच में वह संस्कृत में भी बोलता था और अपने आप को धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ संस्कारी ब्राह्मण बताता था और ग्राहकों से कहता था कि उसके यहाँ का अन्न बहुत शुद्ध पवित्र और स्वादिष्ट है, अगर आप एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। और वह तरह तरह के रोचक मिष्ठान बनाता था और भोजन करने वालों को साग्रह खिलाता था, परंतु उस भोजनालय में प्रवेश करने वाले को कभी किसी ने वापस आते नहीं देखा था, क्योंकि उस भोजनालय का स्वामी वास्तव में कोई भोजनालय चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रूर दुष्ट बुद्धि का एक मायावी राक्षस था। उसका नाम था इलविल। आतापी और बातापी दो उसके भाई भी थे जो उसकी सहायता करते थे, उसके हेल्पर थे। वे तीनों ही माया विद्या में प्रवीण थे। आतापी पेज का रूप धारण करता था और बातापी खाद्य पदार्थ बन जाता था और इलविल अपने हाथों से उन्हें परोस देता था। यात्रीजन दूर दूर से आते थे और अनजान होने के कारण वह भोजनालय में आ जाते थे और थके मांदे होते थे तो जमकर अच्छा भोजन लगता तो खाकर अच्छी तरह भोजन भी करते। जब हाथ धोने के लिए उठते तब इलविल कहता कि आतापी और बातापी बाहर निकल आओ, समय हो गया। तब वे दोनों भोजन करने वाले का पेट फाड़ कर हा 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 करते हुए बाहर आ जाते थे और उस मनुष्य को मार देते थे, पेट फट जाता था उसका। मरे हुए उस सज्जन की देह को तीनों राक्षस आपस में मिल बांट कर खाते थे और उन्हें भोजनालय के पीछे फेंक देते थे। भोजनालय के पीछे मनुष्य की हड्डियों के ढेर पड़े थे, जैसा कि आपने रामायण में जो ताड़का राक्षसी थी उसको उसके आतंक को आपने सुना होगा। भगवान राम ने उसका वध किया था और सुबाहु मारीच उसके दो पुत्र भी थे, तो इसी तरह का ये राक्षस हड्डियों का ढेर पीछे की ओर डाल देता था। ये सब देखकर एक ऋषि बहुत संतप्त हुए, उनका नाम था भगवान अगस्त्य। उन्होंने इस समस्या का उपाय करने की ठान ली। वे श्याम वर्ण थे, उनका डीलडोल भी बड़ा नहीं था, बड़े सामान्य से लगते थे, परंतु उनका मुखमंडल बड़ा तेजस्वी था। वे इलविल के ढाबे में भोजन करने के लिए पहुंच गए। नित्य के अनुसार इलविल ने समझा कि भाई आज कोई अच्छा सा हमारा ग्राहक आया है और उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया, आइए बैठिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अरे अरे महाराज जी को चांदी का आसन दो और सोने के थाल में भोजन परोसा। वाह, ऋषि मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और समझ रहे थे कि इस राक्षस की चाल क्या है। हर प्रकार की विशेषता बखानता हुआ वो तरह तरह के पकवान खिला रहा था और ऋषि थे भी कि बस खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे, बस बस रहने दो भाई, बहुत हो गया। उन्होंने भी डट कर भोजन किया और फिर बोले, बस बस भाई अब बिल्कुल नहीं, अब तो पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। कहते हुए उन्होंने एक लंबी डकार ली और ओम उच्चारण किया। इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान से कहानी सुनते रहना, बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी है।
ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तब एलबेल ने कहा, आतापी बातापी जल्दी आओ, बाहर निकलो। ऋषि मुस्कुराते रहे। एलबेल ने आश्चर्य किया कि यह ऋषि कैसा मुस्कुरा रहा है, परंतु ऋषि का ना तो पेट फटा और ना ही आतापी बातापी कहीं दिखाई दिए। एलबेल ने फिर जोर से आवाज़ लगाई, आतापी बातापी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। तब ऋषि ने फिर से डकार लेते हुए, हंसते हुए और पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ओम, अब वे बाहर नहीं निकलेंगे, मैंने उन्हें हजम कर लिया है, पचा लिया है। एलबेल, मेरे पेट के अंदर वे जल कर मेरी तपोबल से भस्म हो गए हैं। ये सुनकर एलबेल घबरा गया और वह क्रोधावेश होकर ऋषि को मारने दौड़ा। ऋषि ने उसके हाथ का लठ यानी लाठी को छीन लिया और उसी को दे मारा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कुछ नौकर चाकर जो उसके ढाबे में थे, भोजनालय में, वो ऋषि को मारने दौड़े, परंतु ऋषि लाठी भांजना जानते थे। लाठी भांजना माने लाठी चलाना, कई लोग लाठियों से अगर घेर ले तो एक ही व्यक्ति लाठी को घुमाकर अपना बचाव कैसे कर सकता है, इसका अभ्यास करते हैं लोग। गांव में अभी भी कुछ लोग लाठी भांजना जानते हैं। उन्होंने ऐसा दंड घुमाया लाठी के प्रखर चक्र ने, उनके चारों ओर इतनी सुरक्षा कर दी कि कोई भी उनके पास न पहुंच सका और उनको जरा भी चोट न पहुंची। उन्होंने किसी के सिर पर तो किसी के पीठ पर, उन्होंने किसी की कमर पर जोरदार प्रहार किए। सब घायल होकर हाहाकार करते हुए भाग गए। उसी समय एलबेल को होश आया और वह भी भाग गया और एक समुद्र में जा छिपा। प्यारे बच्चों, उन महान ऋषि का नाम अगस्ती था, महामुनि अगस्ती। प्रातःवंदनीय, प्रातः स्मरणीय, दर्शनीय, दक्षिण दिशा प्रकाशक भगवान अगस्ती के नाम से प्रसिद्ध हैं। रामायण में इनका नाम बड़े ही आदर से लिया गया है। भगवान राम ने अगस्ती आश्रम में जाकर उनसे उनके दर्शन किए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऋषि बहुत ही संयमी, ईश्वर भक्त और अनेक गुणों से परिपूर्ण थे, परोपकारी भाव वाले थे। ऋषियों का स्वभाव ही संसार की परोपकार के लिए ही होता है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों की परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ और पावन रही है। गहन गिरी कंदराओं में और घने जंगलों में नित्य संचार करने वाले थे महान ऋषि अगस्ती। वे हैं ऋषि मुनियों की निर्भयता की साकार मूर्ति और भारत की प्रबल पाचन शक्ति के प्रतीक। उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारतवर्ष ने शक, हूण, बर्बर, यवन आदि अविंदों को आत्मसात किया, हजम किया और उनकी परदेशीय नृशंस वृत्तियाँ समाप्त कर दीं। वे इस समाज में घुलमिल गए। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के वो प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अंडमान के हिंदू कैदियों से कहा था कि मुसलमान के हाथ का छुआ पानी पी लेने से या अन्न खा लेने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। विंध्य पर्वत के गुरुदेव अगस्ती, यह उनका मूल नाम नहीं था। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि माता पिता ने उनका नाम दत्तोली रखा था, यानी महान अगस्ती का मूल नाम क्या था, दत्तोली। ये प्रश्न भी मैंने लिखवाया आपको कि ऋषि अगस्ती का वास्तविक नाम बताओ जो उनके माता पिता ने रखा था, वो था दत्तोली। परंतु जैसे बाल गंगाधर तिलक को सब लोग लोकमान्य तिलक कहने लगे और बाद में वही उनका अभिधान हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी को लोग महात्मा जी के नाम से जानने लगे, महात्मा गांधी, वैसे ही जनता ने सम्मानपूर्वक उन्हें अगस्ती कहा। वही सबकी जिह्वा पर बसा और बाद में वही उनका नाम बन गया। ये पदवी उन्हें कैसे प्राप्त हुई, इसका भी एक इतिहास है। आइए इसकी भी हम आपको संक्षिप्त कहानी सुनाते हैं। पुराणों में अनेक घटनाएं रूपात्मक ढंग से लिखी जाती हैं। उनका ऊपरी अर्थ तो एक होता है और भीतरी अर्थ दूसरा। इसी प्रकार की एक ये कहानी है। ध्यान से प्यारे बच्चों सुनिए। एक बार
विंध्य पर्वत के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि सूर्य मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है तो क्या मैं कुछ कम महत्व रखता हूँ? अभी मैं दुनिया को अपना कर्तव्य दिखाता हूँ। मैं इतनी अपनी ऊंचाई बढ़ा दूंगा कि सूर्य का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन विंध्याद्री ने अपनी ऊंचाई बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, यानी पहाड़ ऊपर की ओर ऊंचा बढ़ने लगा। उसने ऊंचाई को बढ़ाते बढ़ाते सूर्य को ढक लिया और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा, यानी सूरज की रोशनी को रोक लिया। लोगों के धर्म कर्म बंद हो गए, अनाचार फैलने लगा, सर्वत्र हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों की सभाएं हुईं, सर्वमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि इसका उपाय तो अगस्त्य जी ही कर सकते हैं। अतः सभी मिलकर अगस्त्य के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप हमें समस्या से उबरने का कोई उपाय करें। तदनुसार सभी लोग काशी पहुँचे, वहाँ अगस्त्य रहते थे और ऋषि मुनि देवताओं आदि ने हाथ जोड़कर ऋषि अगस्त्य से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी इस कठिन समस्या को दूर कर दें, कोई उपाय करें। अगस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है, विंध्याद्री को गर्व मुक्त करना मेरा कर्तव्य है और मेरा वो शिष्य भी है। वे दक्षिण में जाने के लिए निकले। मार्ग में उन्हें विंध्याद्री पर्वत मिला। उसने अपने गुरुदेव को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, बोलिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अगस्त्य को तो इसी बात की तलाश थी। अगस्त्य ने कहा, प्रिय ऋषि शिष्य, मेरे वापस आने तक ऐसे ही नमस्कार की स्थिति में पड़े रहो जब तक मैं लौट के ना आऊँ। और विंध्याद्री ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ठीक है। उस दिन से उत्तर दक्षिण आवागमन सुचारू रूप से चलने लगा और अन्य कठिनाइयाँ भी दूर हो गईं। और फिर क्या था बच्चों, कि अगस्त्य ऋषि उस विंध्य से कह तो गए कि दक्षिण में चले गए और लौट के आऊँगा तो मेरा इंतजार करो, परंतु वे कभी उस रास्ते से वापस उत्तर में लौटे ही नहीं। विंध्य पर्वत आज भी वैसा ही पूर्व पश्चिम में फैला पड़ा है। वो इंतजार ही करता रह गया कि गुरुदेव लौट कर आएंगे, परंतु उन्हें तो उसे झुका कर रखना था। इस प्रकार से उन्होंने समूचे विश्व पर छाई हुई उदासी दूर कर दी, लोगों की समस्या का निराकरण कर दिया। विविध विद्वानों ने इस कथा का अर्थ विविध प्रकार से निकाला है। विंध्य पर्वत बढ़ रहा था, उसका मतलब है उस पर्वत के आश्रय में रहने वाले लोगों के आक्रमण बढ़ रहे थे। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियाँ थीं, खतरा था, लूटे पाटे जाते थे वे लोग। हम लोग कहते हैं कि डाकुओं के डर से पूरा गांव जागता रहा। यहाँ गांव से मतलब है गांव के रहने वाले सभी लोग। ठीक इसी प्रकार विंध्य बढ़ने लगा, इसका अर्थ है विंध्य के आश्रय से रहने वाले राक्षसों के आक्रमण बढ़ने लगे। विंध्य बढ़ने लगा यानी विंध्याचल पर्वत के आसपास जो राक्षसी शक्तियाँ थीं उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और चारों ओर अराजकता जैसा अत्याचार, लूट खसोट, इस प्रकार के आक्रमण अत्याचार आदि बढ़ते जा रहे थे। निर्भयता की मूर्ति और पराक्रमी अगस्त्य ने उन्हें नवाया और उचित रास्ते पर लाए। जो पशुवत जीवन जी रहे थे उन्हें मानवता का पाठ सिखाया। उद्दंड पर्वतवासियों को उन्होंने नम्रता के पाठ पढ़ाए और विविध विधानों के भीतर रहना भी सिखाया। अग का अर्थ है न जाने वाला, अग न जाने वाला, अग अग अगम, अचल अचल माने स्थित अर्थात पर्वत, और उसका चलायमान होना यानी जिसने स्थगित किया। उस जनता ने कहा अगस्त्य, इस प्रकार इनका नाम अगस्त्य बना। अग न जाने वाला, अचल। वे महान विद्वान, महान शिक्षक और जन सेवक थे, परोपकारी हृदय थे, परोपकारी भाव से परिपूर्ण थे और अत्यंत सरल हृदय से वह सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार भी करते थे। जन हित के लिए उन्होंने अपना हिमालय स्थित आश्रम और काशी का निवास छोड़ दिया और वे दक्षिण भारत में सर्वत्र संचार करने लगे, भ्रमण करने लगे। समुद्र को लांघकर वे जावा, सुमात्रा, बाली, मॉरिशस
आदि दूर दूर के देशों में भी लांग कर गए और वहाँ उन्होंने अनपढ़ जनता को धर्म के नाम पर अनेक ज्ञान, धर्म का ज्ञान दिया, पाठ पढ़ाया। उन देशों में आज भी भगवान अगस्त्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। रामकृत प्रशंसा। इस प्रकार भगवान अगस्त्य की महिमा को जानकर प्रभु रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाकर इच्छा प्रकट की कि हे गुरुदेव, मैं ऋषिवर, मैं महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनकी कुछ सेवा करूँगा और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम अगस्त्य भेंट प्रसंग को संक्षेप में बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है। तब रघुबीर कहा मुने पाही, तुम सन प्रभु दुराओ कछु नाही। तुम जानहु जेही कारण आयहु, ताते लाल ना कहे समझायहु। इस प्रकार से अर्थ यह है कि रामचंद्र जी ने मुनीश्वर अगस्त्य से कहा कि हे स्वामी, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। मुनि, जिस कारण से मैं आया हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार से समझाना नहीं चाहता। वाल्मीकि रामायण में इस कथा भाग का कुछ विस्तार से वर्णन पाया जाता है। श्री राम जी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से निकले और लक्ष्मण को अगस्त्य का महत्व बताते हुए कहा कि आपने अगस्त्य ऋषि ने अग्नि तुल्य तेज से इलविल नाम के राक्षस को भस्म कर दिया और उनके कृत्य बड़े ही लोक मंगलकारी हैं। वह संसार के समाज की रक्षा और उसको जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फलस्वरूप उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। थके मांदे पथिकों के परिश्रम का परिहार करने वाला यह सामने उन्हीं अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। भगवान राम ने वनवास के दौरान उनके दर्शन किए थे सुतीक्ष्ण मुनि के और भगवान अगस्त्य के। रामायण में इसका प्रसंग बहुत विस्तार से मिलता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका सुंदर वर्णन किया है। अभी मैंने आपको दो चौपाइयाँ भी पढ़कर सुनाई। अब आगे की कहानी सुनिए। श्री राम ने कहा, अगस्त्य विख्यातो लोके स्वयनेव कर्मणः, आश्रमे दृश्यते तस्य परिश्रांत श्रमापह। श्री राम ने कहा, देखो, जन कल्याण की इच्छा से जिन्होंने राक्षसों से मुकाबला करके मृत्यु के तांडव को रोका और दक्षिण का प्रवेश निवास योग्य बनाया, ये अगस्त्य जी का आश्रम है। लगता है यहीं रहकर उनकी आराधना करें और वनवास का बचा हुआ समय उन्हीं के पावन सहवास में बिताएं। इन मुनिवर का प्रभाव अद्भुत है। भगवान अगस्त्य की कथा का प्रथम भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।